टू चलिए मॉड 9201 की बात करने वाले हैं। ये पित्रो बरेटा का जो है कॉपी है। बरेटा कंपनी 500 ईयर का लेगेसी है, 500 ईयर वन पैशन है। मॉड 9201 आप देख सकते हो, उमरेक्स कंपनी बनाती है, मेड बाय उमरेक्स जर्मनी एंड बरेटा ट्रेड लाइसेंस बाय बरेटा इटली। तो पहली बात हम बात करेंगे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में। हम इसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ने के आपको बताने वाले हैं। कैलिबर 0.177 मतलब 0.177 का बीबी डालता है, 4.5 mm का बीबी है, एमओ स्टील बीबी सब डालते हैं इसके अंदर। 18 राउंड का इसका मैगजीन है। पावर जो है 12 ग्राम CO2, ये CO2 है, 12 ग्राम का CO2 उससे पावर्ड होता है। वेलोसिटी इसका 95 मीटर पर सेकंड है। साइड इसका फिक्स्ड है, फ्रंट और बैक साइड दोनों फिक्स्ड है। ट्रिगर जो है वो डबल एक्शन है। सेफ्टी इसका मैनुअल है। बैरल इसका स्मूथ है। लंबाई इसका जो है बैरल लेंथ 124 mm है। डेंजरस एरिया अप टू 366 मीटर मतलब 366 मीटर तक इसका बीबी जो है जा सकता है, जाता है वो नहीं है, जा सकता है। जनरली एयरगन 10 मीटर के लिए रेंज के लिए बनाया जाता है। वेट इसका है 1061 ग्राम मतलब 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है। लेंथ इसका है 215 mm जो पूरी इसकी लंबाई है, 215 mm है। बरेटा है, बरेटा नाम ही काफी है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बरेटा और ये उमरेक्स ने बनाया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका बॉक्स है, इसके अंदर ये आपको मिलता है मैनुअल बरेटा का 9201। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि ये फुल ऑटो है, ये गाइस फुल ऑटो नहीं है, सेमी ऑटो है। अब बहुत से लोगों को सेमी ऑटो और फुल ऑटो में फ्यूजन है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपल सी बात है कि फुल ऑटो में AK-47 की तरह सारे पैलेट एक साथ निकल जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि निशाना लगाना है आपको तो एक ध्यान से लगाना है। तो सेमी ऑटो है, एक बार लोड करिए, फायर करते जाइए। ये बरेटा का लोगो है इसके अंदर, ये पूरा गन है। इसमें कैसे लोड करना है, कैसे बीबी यू नो डालनी है उसको दिखाया गया है। यू नो ये गन है, इसको सेफ्टी कैसे लगानी है, ऑन कैसे करना है, CO2 कैसे लोड करना है, बीबी कैसे लोड करना है, निशाना कैसे लगाना है। आप देख सकते हो इसको अलाइन करके फायर करते हैं, ऐसे नहीं लगाना है, वैसे नहीं लगाना है, प्रॉपर इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है और सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है, कैसे इसको क्लीन करना है, तो सारा इसके अंदर डिटेल है। जब भी आप गन खरीदें तो प्लीज मैनुअल को पढ़ दें। और ऐसे बॉक्स में आता है, दिस इज द गन, बहुत ही प्यारा गन है। इसके अंदर हम खोल करके इसका और भी चीज निकालते हैं, आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आप एक एलन की पाएंगे। तो ये है एलन की, एलन की से आप CO2 लोड करते हैं। अब इसको पुश करते हैं और बाहर निकालते हैं। ये इसका मैगजीन है और ये इसका मैगजीन है। अब मैगजीन को कैसे खोलना है बड़े ध्यान से देखिएगा। ये इसका पॉइंट है, दिस इज द एलन की। यू पुट इट लाइक दिस, इसके होल में डालिए एंड जस्ट ट्विस्ट इट लाइक दिस। खोलना आसान है, दिस इज द यू नो CO2, जस्ट यूज इट आफ्टर 2-3 यूज। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर का मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल यू नो लुब्रिकेटेड रहेगा। अब इसे लेना है, यू पुट ड्रॉप इट राइट हियर और कोशिश करना है कि ये बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाए एंड देन यू टेक दिस और यू गो लिटल सॉफ्टर, जस्ट रिवॉल्व इट। अब आप देखेंगे ये अपने आप जो है रुक गया है। नाउ यू हैव टू यूज अ फोर्स, धीरे धीरे फोर्स लगाना है, एक साथ नहीं, हल्का। अब जहां मैंने घुमाया यहां इसका घूमना बंद हो गया, थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे, एक कर का आया आवाज, मैंने थोड़ा सा और टाइट किया, दैट्स इट। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, पूरी अपनी जो ताकत है ना इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपनी पूरी एनर्जी को इसके अंदर झोंकने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से इसके अंदर का पिन टूट जाएगा, मैगजीन खराब हो जाएगा एंड यू विल डैमेज योर गन। अब इसे पकड़िए और इसे लाइक दिस यू पुल इट, यू पुल इट और आप पीछे लाके इसे लॉक कर दीजिए। यहां पे एक बटन है, एक हिंज टाइप का, अगर आप देख सकते हो उसके अंदर आकर के पीछे लॉक हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने बीबीस लेने हैं हाथ के अंदर लाइक दिस, जस्ट होल्ड इट। नाउ देयर इज टू वेज टू डू इट। फर्स्ट इज ड्रॉप इट राइट हियर, 1, 2 3। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से भी डाल सकते हैं, जो कि आप डाल सकते हो, बट आई रिकमेंड डूइंग इट फ्रॉम हियर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 आई गेस हमने एक पहले डाल रखा था तो इसलिए इसके अंदर जो है 18 राउंड इसके अंदर डर गए और 18 राउंड की इसकी कैपेसिटी है। आई वॉज कन्फ्यूज कि पहले मैंने डाल एक एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया है। अब क्या करना है इसको, बड़े प्यार से पुट योर फिंगर राइट हियर एंड स्मूथली जस्ट रिलीज इट, इसको यहां से रिलीज कर देना है ताकि वो पुश हो जाए। अब जनरली अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर सिर्फ 15 राउंड डालिए ताकि स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। आप देख सकते हो स्प्रिंग पे प्रेशर पड़ता है, ज्यादा प्रेशर होगा तो ये लूज हो जाएगा, तो 12-15 डालिए काफी है, 18 राउंड डालने की जरूरत नहीं है। नाउ यू टेक इट, जस्ट पुट इट इनसाइड, इसके अंदर डालिए, प्रेस इट एंड जस्ट पुश इट इनसाइड ताकि ये अपने जगह पे बैठ जाए। दिस इज द टारगेट और अब हम इसके ऊपर थोड़ा फायरिंग करेंगे एंड लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। दिस इज द गन पित्रो बरिता ओमरेक्स के द्वारा, वहां आप देख सकते हो टारगेट है, दिस इज बरिता M9A1। नाउ वॉच, बहुत ज्यादा निशान लगा के फायर नहीं करने वाला हूं, आई एम गोना शूट रैंडमली, सो वॉच। वाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आप देखोगे सारा का सारा जो राउंड्स फायर किए हैं वो नीचे के साइड मैंने मारा है, यहाँ पे एवरीथिंग इज राइट हियर। तो अभी हम जो दूसरा मैगजीन फायर करेंगे विल ट्राई टू फायर लिटिल 17 एंड वी विल ड्रॉप वन मोर, जो है 18 राउंड डल गए। इसको रिलीज करते हैं लाइक दिस, दिस इज द गन। अब इसे बड़े प्यार से विल इंसर्ट इट लाइक दिस, रिलीज इट एंड वी आर रेडी टू फायर। तो आपने देखा पिछली बार जब हमने फायर किया था तो बहुत सारे राउंड नीचे की तरफ ड्रॉप हो गए थे, इसीलिए थोड़ा कुछ रिकॉइल भी आए थे। विल फायर इट अप एंड आई होप वी गोना गेट अ बेटर रिजल्ट दिस टाइम। वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो गाइस जस्ट पुट इट राइट हियर, रिलीज इट। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सर निशाना ढंग से नहीं लग पा रहा, वो बंदूक की गलती नहीं होती है, निशानेबाज की गलती होती है। 80 राउंड निकलना काफी ज्यादा जो है अच्छा है, अगर नॉन ब्लोबैक गन होता तो आप जो है सोच सकते हैं उससे ज्यादा की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि नॉन ब्लोबैक में तो 100 राउंड से भी ऊपर दे जाता है। यू कैन सी 3, 7, 3, 10, 11 राउंड है इसके अंदर, 18 राउंड में डाले थे, तो आप वही लगा चलो 75 से 80 राउंड आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे आप पहले बीबी निकाल लेते हो बाहर, फिर आपका जो ये गन है इसके आपके CO2 को बाहर निकालना है। CO2 को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, मैं यू घुमाऊंगा लाइक दिस और इसके अंदर जो है ये इसे पुल कर लेंगे बाहर, क्योंकि इसके अंदर बैठ गया है विच इज गुड। इन्होंने ऐसे बनाया है कि इसके अंदर बिल्कुल सटीक बैठ जाता है, तो इसे हमने बाहर निकाल लिया। अब इसे वापस उसके अंदर डालना है एंड यू जस्ट टेक इट और रिवॉल्व कर दीजिए जस्ट लाइक दिस, आपका काम कंप्लीट हो गया। एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेना है कि कहीं इसके अंदर जो है बीबीज तो नहीं अटका हुआ, तो इसके अंदर चेंबर में बीबी जो नहीं है तो इसको जो है रिलीज कर देंगे। गन को जो है सेफ्टी मोड पर रख दिया ताकि गलती से कभी चले ना। मैगजीन लोड करके अगर मुझे इस गन के अंदर रखना है गन बॉक्स में तो रख देंगे, अगर मेरे पास ऐसा गन बॉक्स है तो मैगजीन भी मैं बाहर निकाल लेता हूं और उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। यस, बरेटा 92FS इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर से भी पॉपुलर गन है। इसी के तर्ज पे M9, बरेटा, स्विस आर्म्स P92 सारी गन्स बनती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज के वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसे लोड किया जाएगा, कैसे इसके अंदर CO2 डालें, कैसे पैलेट लोड करें, कैसे फायर करें, कैसे इसका बीबी CO2 निकालें और कैसे इसको स्टोर करके रखें। तो पहली बात, जब आप इसे ऑर्डर करते हैं तो आपको ऐसे बॉक्स में मिलता है, ये आपका मैनुअल है, काफी मोटा मैनुअल है, वो इसलिए है क्योंकि ये कई लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया है। आप देख सकते हैं सारी बातें इसके अंदर दी हुई हैं,
चलिए आपको गन दिखा दिया जाए, आप देखेंगे कि ये आपका बरेटा 92 एफएस। ओके, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। जब आप ये गन खरीदते हैं, इसके साथ आपको ऐसे दो मैगजीन्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वॉल्थर हो गया, बरेटा हो गया, इन सबको जो है ऑयल करके भेजा जाता है पार्ट्स पे। अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है तो आप उसको साफ कर सकते हैं, बट ऑयल करके गन रखिए, इससे गन में स्मूथनेस रहती है, रस्ट वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है ये मेटल की है। आजकल ज्यादातर जो है बनते हैं यू नो ताइवान में, बट ये जो है बना हुआ है जर्मनी के अंदर। अब इसे खोलना कैसे है, बहुत ईजी है। आप इस गन को अपने हाथ में रखिए और ये जो पार्ट निकला हुआ है उसे पुश करिए लाइक दिस, और जब आप इसे पुश करेंगे तो ये फ्लैप खुल जाएगा, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इसे CO2 कैसे लोड करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका CO2 लोड नहीं होगा। आपको यहाँ पे पेलगन ऑयल डालना है थोड़ा सा। चलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पेलगन ऑयल डाल देता हूं लाइक दिस। जब मैंने इसके ऊपर पेलगन ऑयल डाला तो इससे क्या होगा, आपकी गन की जो है लुब्रिकेशन अंदर से हो जाएगी, सीलिंग वगैरह जो है वो सील हो जाएगा अच्छे से। अब आप इस CO2 को लेंगे और इसे अंदर जो है ड्रॉप कर देंगे। अंदर ड्रॉप करेंगे आपको यहाँ पे गैप दिखेगा CO2 और इस रिंग के बीच में, तो आपको इसे घुमाना है। इसे आप धीरे 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 घुमाएंगे और ये ऊपर आता जाएगा, ऊपर आएगा तो आप इसे स्टिल घुमाते रहिए। इसे तब तक घुमाना है जब तक कि ये बिल्कुल इसके पास ना पहुंच जाए, तो मैं इसे अभी भी घुमाऊंगा लाइक दिस। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसके बीच में जो है ऑलमोस्ट पहुंच गया है, अभी भी थोड़ा घूम रहा है, बट थोड़ा और इसे पुश कर देता हूं मैं, तो ये बिल्कुल इसके पास आ गया है। ध्यान रखिएगा ये इसके बीच में गैप जो है बिल्कुल ना रहे, और ऐसा भी ना हो कि बहुत टाइट हो जाए तो आपको मालूम पड़ गया कि चलो ये अपने पास पहुंच गया है। अब इस फ्लैप को जो है मुझे पुश करना है लाइक दिस, दैट्स इट। ध्यान रखिएगा अगर आप इसे बहुत ज्यादा टाइट ऊपर कर देंगे तो आपका फ्लैप ही लगेगा नहीं, और अगर आपने ताकत लगाया तो ये टूट जाएगा, ठीक है। और ये टूट गया तो गन आपकी बेकार है और आपके पैसे बर्बाद। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कितना लॉक करना है, इतना लॉक करना है कि ये ढीला ना रहे। अगर लगाएंगे तो CO2 लोड नहीं होगा, और अगर ये बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे आप तो ये ढंग से बंद नहीं होगा। तो इसके अंदर जो है CO2 लोड है। अब आपको इस फ्लैप को जो है इसके जगह पे आपको देखना है कहां ये लगेगा, और इसे लगा करके आप इसे प्रेस यू कर दीजिए, ये अपने जगह पे लॉक हो गया। अब बारी आती है इसके अंदर पैलेट्स लोड करने का, कि कैसे पैलेट्स लोड करते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं। तो आपके पास ये दो क्लिप आएंगी, आपको ध्यान देना है कि ये क्लिप का बाहर हिस्सा ऊपर रहे या फिर इस साइड से लगे, तो मैं इसे यहां रखने वाला हूं। अब आपको पैलेट्स लेने हैं, ये इंपोर्टेड पैलेट्स है 0.177 के, इंडियन पैलेट्स इसके अंदर यूज नहीं करना है, सिर्फ इंपोर्टेड पैलेट्स ही यूज करना है। तो आप इसे यू लीजिए और इसके अंदर जो है पोजीशन कर दीजिए, मेक श्योर कि ये पूरा का पूरा अंदर पैलेट चला जाए, और पैलेट जो है वो कटा हुआ ना हो और या फिर खराब ना हो या पहले इस्तेमाल किया हुआ ना हो। हमेशा जो है कोई भी गन अगर आपके पास है, इंपोर्टेड हो या इंडियन हो, पैलेट्स कभी भी यूज्ड पैलेट का इस्तेमाल ना करिए। यूज्ड पैलेट के इस्तेमाल से जो है आपकी गन डैमेज हो सकता है। तो इसे मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ लाइक दिस। चलिए अब ये जो है रिंग लोड हो गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको लोड कैसे करते हैं इसके अंदर। तो ये नॉट है, इसको हल्का प्रेस करना है ऐसे, और आप प्रेस करेंगे ये आगे आ जाएगा। अब आप इस रिंग को लेंगे, ये जो ग्रूव्स बना हुआ है इधर आप देखेंगे प्लेन है, इधर ग्रूव्स बना हुआ है, ग्रूव्स वाले को पीछे रखना है और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है लाइक दिस। इसके बीच में आप ड्रॉप करेंगे, इस स्लाइड को लीजिए और प्रेस कर दीजिए, ये लॉक हो गया, आपकी गन रेडी है फायर के लिए। अब अगर मुझे फायर करना है तो मैं सिर्फ इसे पीछे यूं करूंगा एंड दिस गन इज रेडी टू फायर। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक CO2 से कितने राउंड फायर होते हैं। इसके अंदर CO2 लोड है, पैलेट लोड है, सामने आप देख सकते हैं हमारे पास बॉक्स है, हम इस पर फायर करके देखने वाले हैं कि कितने राउंड हमें मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राउंड हमने फायर कर लिया है। अब दूसरा इसके अंदर डालते हैं एंड विल चेक। इसके अंदर मैंने दूसरा रिंग डाल दिया है एंड विल फायर द कैन। वाओ, दैट वाज ऑसम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने दो पैलेट्स फायर कर लिए हैं। अब तीसरा रिंग की बारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फोर्थ रिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिस इज द फिफ्थ रिंग। अब ये सिक्स्थ रिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हम सेवेंथ रिंग फायर करने वाले हैं। 6 हो गया है, ये सेवेंथ रिंग है। 8वां रिंग है, दिस इज द 9th वन, ये 10वां रिंग है। ये 11वां पैलेट जो है का रिंग ये फायर कर दे, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाओ, 11। 12th रिंग, 13th,
15th रिंग है, 16वां रिंग जो है हम लोड कर रहे हैं इसके अंदर। माय गॉड, 16 जो है रिंग हमने फायर कर दिया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17। मेरा गेस है दिस इज गोना बी द लास्ट रिंग, बेटिंग ऑन दिस। तो अब देखते हैं, दिस इज द 17th रिंग, 17वां रिंग और आई थिंक ये आखिरी होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दैट वॉज लास्ट। आई गेस ये पैलेट फायर भी नहीं हुआ होगा। लुकिंग एट द पावर, यस आप देख सकते हैं पैलेट इससे निकला और इतना ही रह गया, मतलब कि 17 जो है 17 के करीब जो है ये फायर करता है। तो चलिए अब इसे खाली करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसने कितना इम्पैक्ट किया, हमने ऑल ओवर स्कैटर करके फाड़ा है और आप देख सकते हैं किसने इतना डैमेज किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोटीन का डब्बा है और इसके अंदर देखेंगे ये होल्स होता है। इंडियन एयरगन से भी इतना ही इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरगन से नहीं होगा। मैं किसी दिन आपको इंडियन एयरगन से भी जो है फायर करके दिखाने वाला हूं। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि वीडियो बना करके आपको, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। पावरफुल एयरगन, कोई भी एयरगन पावरफुल होता है अगर 10 मीटर प्रोजेक्टाइल फायर होता है तो, बट ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इससे आप जो है लोहे वोहे में छेद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पेपर पे फायर करने के लिए होता है, जस्ट लुक गुड, हम इसको पेपर पे फायर करते हैं और इससे ये इतना ही। बाकी जो पैलेट्स हैं उसे मैं स्टोर करके यू रख देने वाला हूं। ये दोनों जो रिंग हैं इसके आपके गन्स के, इसे मैं गन के अंदर यू स्टैक करके रख देने वाला हूं। अब आती है बारी CO2 को कैसे निकालें, बहुत सिंपल है गाइस। पहला तो आपको इस बटन को पुश करना है, इसे जब आप पुश करेंगे यहां तो ये लैच बन जाएगा और आप इसको खोल लीजिए। दूसरा, इस क्लिप को पीछे खींचना है लाइक दिस, आप देखेंगे थोड़ा सा CO2 बचा था वो बाहर निकल जाएगा। इस रिंग को आपको नीचे घुमाना है लाइक दिस, जब आप इसे नीचे घुमाएंगे तो यहाँ पे लूज हो जाएगा, आप CO2 को बाहर निकाल लीजिए। याद रखिएगा CO2 को कभी भी लोड करके गन के अंदर मत रखिए, अगर आप रखेंगे आपका गन डैमेज हो जाएगा। इस क्लिप को वापस लगाइए, आप इसे लीजिए और बड़े आराम से बड़े प्यार से जो है आपको लैच को देखते हुए कि कहाँ पे इसका लैच है, इसे वापस जो है बंद कर देना है। ये बंद हो जाएगा, इसे स्लाइड बैक करना है और इसे इसके गन बॉक्स में सुरक्षित वापस रख दीजिए। मैनुअल भी साथ में अगर आपको कैरी करना है तो कैरी करिए और इस बॉक्स को बंद करके यू लॉक कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। जब भी आप गन खरीदें मेक श्योर कि आप पैलेट ऑर्डर करें, साथ में CO2 बहुत सारे ऑर्डर कर लें और पेलगन ऑयल रख लें। एक पेलगन ऑयल से आप कम से कम 50 CO2 तो फायर कर ही लेंगे, उससे कहीं ज्यादा आप फायर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए। ऑर्डर करना है आपको तो कैसे करना है, बहुत से लोग पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए, हमारा वेबसाइट खुल जाएगा airsoftgunindia.com, उस पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग के नंबर पे कॉलिंग है, व्हाट्सएप के नंबर व्हाट्सएप है, वो का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज में। अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और आपका अगर कॉल ना लगे तो आप हमें मेल कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।